हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेट गेम सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में, जिस ट्रेलर को देखकर हमें फिल्म की स्टोरी का बस थोड़ा बहुत ही अंदाजा होता है। तो अब क्या है वो सभी डिटेल, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, क्योंकि अगर आपने सीजन 1 देखा नहीं है तो ये वीडियो एक तरीके से आपके लिए पूरी तरीके से स्पॉइलर है। सो फ्रेंड्स, ये बात तो सभी को पता है कि लोग सेक्रेट गेम के सीजन 2 का कितनी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स की तरफ से कब इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म किया जाएगा, जो कि अब 15 अगस्त की कंफर्म कर दी गई है। यानी देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से 3 फिल्में हैं और एक वेब सीरीज। अगर उन 3 फिल्मों की बात की जाए तो फिल्में हैं साहो, मिशन मंगल और बाटला हाउस, और वेब सीरीज ऑब्वियसली सेक्रेट गेम का सीजन 2। यानी सभी के सभी एक ऐसी फिल्में और वेब सीरीज है जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते, और अब डिपेंड आप पर करता है कि आप में से कौन सी चीज सबसे पहले देखना चाहोगे, जिसमें से मुझे पता है कि आधे से ज्यादा जन लोगों का जवाब फिल्म साहो ही है। खैर, तो अब बात कर लेते हैं ट्रेलर की, जिसे देखकर हमें एक हिंट तो पक्का पता चल गई कि डेफिनेटली यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है मुंबई को खत्म कर सिर्फ त्रिपाठी को बचाने की, वो खतरा न्यूक्लियर अटैक से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने ट्रेलर में यूरोशिमा और नागासाकी का भी वर्ड सुना, और उसके बाद ट्रेलर एंड होने से पहले कुछ लोगों को उसी बंकर के अंदर देखा जहाँ पर सीजन 1 में पहले त्रिपाठी की लाश मिली थी, और कुछ लोग वहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन के साथ मास्क लगाकर आए हुए थे और ये चेक कर रहे थे कि यहाँ पर रेडिएशन कितना है, जिसका साउंड हम काफी क्लियरली सुन सकते हैं। यानी जो न्यूक्लियर की बात की गई थी सीजन 1 के एंड में सिर्फ अंदाजा लगाकर, वो अब कहीं ना कहीं सच हो गई है। और उसके बाद आ जाए इस सीन पर, जहाँ पर सरताज सिंह को पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिस टुकड़े को जोड़कर वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ होता है कि अब वक्त आ गया है वॉर का, जिसकी ट्रांसलेशन माजिद खान करते हैं, क्योंकि वो वर्ड उर्दू में लिखे हुए हैं। और देखकर उस पेपर को ऐसा लगता है कि अब इसमें आतंकवादी भी इन्वॉल्व हो गए, जो कि पहले सीजन 1 में ही कर दिए गए थे, अगर आपको याद हो तो। और जिन लोगों याद नहीं है तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि सीजन 1 में हमने एक कैरेक्टर की झलक देखी थी, जिसे पूरे सीजन 1 में दिखाया ही नहीं गया था, सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई गई थी, और उस एक्टर का नाम था तरुण अरोरा, जो मुझे लगता है अब सीजन 2 में काफी बड़ा रोल करने वाले हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट के एक बड़े लीडर भी है, लेकिन उन्हें इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि शायद हो सकता है कि गणेश गायतोंडे तरुण अरोरा के कैरेक्टर से ही मिलकर हथियारों की डील करता होगा, और शायद देश को बांटने की भी, क्योंकि इस कागज के दो टुकड़े को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि देश के दो टुकड़े हो जाएंगे और दो कौम पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। यानी जो प्लान गणेश गायतोंडे के तीसरे बाप गुरुजी ने बनाया था, वो कहीं ना कहीं शायद इसी का हिंट देता है कि गुरुजी ने कुछ इसी तरीके का प्लान किया है, इसलिए उन्होंने सभी के सभी का ब्रेन वॉश किया है। जैसे कि आप बात करो गणेश गायतोंडे, विपिन भोसले, त्रिपाठी या फिर पास्कल की, जो हमें इस ट्रेलर में साफ साफ गुरुजी के साथ ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गणेश गायतोंडे को ये एहसास हो जाता है कि उसके तीसरे बाप ने उसे सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए ही ये सब नाटक रचा था, जिसके बाद गणेश गायतोंडे पूरी तरीके से उस जेल के अंदर टूट गया था, और उसे ऐसा लगने लगा था कि वो इस जेल के अंदर पुलकर के हाथों से ही मरेगा, लेकिन फिर उसे नजर आई उम्मीद, जो उम्मीद उसके तीसरे बाप गुरुजी ने उसे दी थी, और वहीं से इस ट्रेलर को भी स्टार्ट किया गया। और शायद हो सकता है कि सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से की जाए। वेल, अब बात कर ले इस ट्रेलर में दिखाए गए कुछ नए एक्टर्स और ना दिखाए गए एक्टर्स की, जिनमें सबसे पहला नाम आएगा विक्रम कोचर का, जो इस सीरीज में रोल करते हैं मथू का। उन्हें इस ट्रेलर में ही दिखाया गया, लेकिन सीजन 1 के एंड में वो गणेश गायतोंडे के साथ में ही थे, यानी ये दोनों ने मिलकर ही कुछ ना कुछ बड़ा कांड किया है। उसके बाद आ जाए श्रवीन चावला के कैरेक्टर जोजो पर, तो वो भी हमें इस ट्रेलर में नजर नहीं आई है, लेकिन शायद हो सकता है कि इस बार सीजन 2 में उनका काम ज्यादा हो, क्योंकि जोजो ने ही गणेश गायतोंडे को धोखा दिया था, वो भी कई सालों तक, जिसका पता गणेश गायतोंडे को इसके पहले एपिसोड में चला, जहां पर शायद मुझे लगता है जोजो गणेश गायतोंडे के नहीं बल्कि त्रिपाठी के साथ हो सकती है, और गणेश गायतोंडे वहां पर किसी न किसी तरीके से त्रिपाठी का पता लगाकर पहुंच गया था। मतलब अगर आप अंदाजा लगाते जाओ तो काफी सारे क्लूज आपको मिलते जाएंगे कि सीजन 1 के बाद सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है। खैर, तो उसके बाद आ जाए दो नई कास्टिंग पर, तो हमें इस बार सीजन 2 में नजर आ रहे हैं रणवीर शौर्य, जो शायद मेरे हिसाब से पुलिस वाले हो सकते हैं या फिर एक क्रिमिनल भी, क्योंकि हम इस सीन में उनके कैरेक्टर का नाम भी जान सकते हैं, जो कि है साजिद खान, और उनकी तस्वीर दीवार पर गणेश गायतोंडे के साथ ही लगी है, तो शायद उनकी टाइमलाइन पास्ट की हो, जो गणेश गायतोंडे के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और आगे जो खड़ा उस तस्वीर को देख रहा है वो डेफिनेटली मुझे लगता है सरताज सिंह का कैरेक्टर है नहीं, यानी ये कोई दूसरा ही कैरेक्टर है जो इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और ऊपर की तरफ हम पास्कल और जोया का नाम भी देख सकते हैं, यानी इस कैरेक्टर को बहुत कुछ पता है गणेश गायतोंडे से रिलेटेड, और ऑब्वियसली हम सीजन 2 में गणेश गायतोंडे का एक अलग ही लुक देख सकते हैं, यानी अब गणेश गायतोंडे पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन बन चुका है, जिसे शायद कहीं ना कहीं गुरुजी ने हथियार खरीदने के लिए ही रखा होगा, और इस सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि गणेश गायतोंडे ने शायद कहीं ना कहीं अपने नाम को बदल लिया है। खैर, तो उसके बाद आ जाए एक और नई कास्ट पर, तो वो है कल्कि कोचनी, जिनके कैरेक्टर का नाम क्या है उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ट्रेलर में देखकर ऐसा पता चल जाता है कि वो सीजन 2 में गुरुजी के ही आश्रम में
में रहती है और उनकी टाइमलाइन प्रेजेंट की है, क्योंकि हम उन्हें सरताज सिंह के साथ भी देख सकते हैं, जो शायद वहाँ पर सरताज सिंह का ध्यान भटकाने के लिए है। क्योंकि इस ट्रेलर के एंड में हमें ये हिंट मिल गया कि सरताज सिंह फाइनली गुरु जी के पास पहुँच गया है, वो भी उनके आश्रम में, ताकि वो ये पता लगा सके कि मुंबई को किस तरीके से गुरु जी खत्म करना चाहते हैं। वेल तो अब मुझे लगता है इतनी डिटेल काफी है आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। वेल तो अब आपकी क्या राय है इन सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप इस वेब सीरीज से रिलेटेड या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी डीएम के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको वहाँ पर आपके सवालों के जवाब मैं देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल्स हैं, एक है द मूवी स्टॉक शो और दूसरा मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जहाँ पर मैं हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। खैर तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।